आगरा का पेठा वर्ल्ड फेमस है और उसकी डिमांड विश्व भर में रहती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते आगरा के पेठे की मिठास तो गुम हो गई है। पेठे का कारोबार भी पूरी तरह से चौपट हो गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन के बाद से अनलॉक डाउन हुए बाजारों में रौनक भले ही धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन पेठे की मंडी नूरी दरवाजा अभी भी बंद है, इससे पेठा व्यापारी काफी परेशान है। पेठा व्यापारियों का कहना है कि कोरोना ने इस व्यापार की कमर तोड़ दी, अन्य व्यापारियों के व्यापार की तरह ही पेठे के व्यापार पर भी कोरोना का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा, जिससे सभी पेठे के व्यापारी काफी चिंतित हैं। व्यापारी इस समय इतना परेशान है, इसकी कोई उम्मीद लगा नहीं सकती। ये कि पेठा व्यापारियों पे अब प्रशासन से एक विनती करता है कि जल्द से जल्द ये पेठा मंडी खुलवाई जाए, जिससे कि ये पेठा दोबारा से बने और नए तरीके से दोबारा काम चालू हुए, जो नुकसान हुआ है उसकी धीरे धीरे भरपाई पूरी हो। इस समय आगरा शहर में पेठा जो पूरी दुनिया में फेमस है, और वही आगरा शहर के व्यापारी इस समय इतने परेशान हो रहे हैं, ना ही प्रशासन उनका ध्यान है, ना ही सरकार का ध्यान है। पेठे की मार से यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जो सरकार इसको बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ देखा जाए कि कच्चा पेठा, मिठाई और यहाँ जो लाखों मजदूर काम करता था, सब बेअसर यहाँ पैसा हुआ है, जिससे कि सरकार को तो क्योंकि कुछ हुआ होगा, पर यहाँ का आदमी जो पेठे से जुड़ा हुआ था वह काफ़ी इससे भयभीत भी हो गया है, और आगे ये सोचेगा कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये इंडिया फेमस था और यहाँ से ताज और पेठा इसी के नाम से आगरा जाना जाता था। और बताइए।